आपको क्या बोला, आप डरो मत। हेलो। मेरा बोल रहा है हाँ कि वो कांटेक्ट को भेजेंगे। उसने बोला कि उखाड़ आपका ये कुछ भी नहीं सकता, और वो हाँ उसने मुझे एक चीज बोला कि जब फोटो आपको एडिट करके भेजता ना तो उसको बोलना कि मेरा एक गैलरी का फोटो भेज, हाँ फिर मैं पेमेंट करता हूँ। हाँ क्यों बोला गैलरी ऐप नहीं होता है। उसने बोला कि 6 दिन से लेके जब आपका पीरियड होता है वहां से लेके 6 से 7 दिन तक आपका फिर टाइम होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपके फाइल सबसे नीचे चले जाते हैं। सो फाइनली आपके रिक्वेस्ट पे मैं लास्ट वीडियो लेके आया हूँ लोन एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोन एप्लीकेशन से कैसे बचे। इसके बाद इस टॉपिक पे वीडियो नहीं आएगी। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अगर आइडियो के तहत बात हुई तो मैं वह चीज आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरीके से अगर कोई बचने का नया तरीका बताएगा वह चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक वीडियो मैं आपको बार 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 बना के नहीं बता सकता। अगर आप लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हैं या तो आपने लोन लिया है, अभी 1 से 2 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है, 6वां दिन होने वाला है, यानी 6ठे दिन उनका कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, तो वीडियो कंप्लीट देखना, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा। देखो, मैंने इस चैनल पे गोवा की कई सारी वीडियो डाली, अभी कई सारी वीडियो आनी बाकी है, लेकिन उस बीच में मैं यह वीडियो शूट करके डाल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का इतना मैसेज आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है, कितने लोग सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। पहले आप छोटी सी आइडियो यह सुनो। मैं आपको क्या बोला, आप डरो मत। मेरा हेलो। बोल रहा है कि वो कांटेक्ट को भेजेंगे। ये मैडम इतनी ज्यादा दुखी हैं, तकलीफ में हैं, क्योंकि इनका जो फोटो था, इन्होंने DP में फोटो लगाया था, तो वहां पे उसने फोटो सेव करके एडिट करके मतलब न्यूड फोटो इनके पास भेज दिया। अब जैसे इनके पास भेजा, भाई जाहिर सी बात है यार, अपनी एक इज्जत होती है, ठीक है, फैमिली में रिश्तेदारों में अपनी एक इज्जत होती है, तो डायरेक्ट वो लोग एक ही धमकी देते हैं, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम ये जो फोटो है आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबके पास भेजेंगे। तो इतने में अगर आपकी इतनी है ना छाती चौड़ी है ना, तो इतनी बड़ी हो जाएगी मेरी गारंटी, चाहे आप एक लड़की हो चाहे एक लड़के हो, क्योंकि यार आजकल ना गलत चीजों पे लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप सही चीज ना मर मर के बोलोगे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गलत चीज फटाक से विश्वास कर लेते हैं। हाँ, तो हम आते हैं टॉपिक पे, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अभी कितना मैसेज आया हुआ है, 2001 मैसेज पेंडिंग में। एक्चुअली इसमें कुछ गेमिंग के भी मैसेज है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो सर, थैंक यू सर, मतलब इतने मैसेज। इधर देखो, टाइमिंग देखो भाई, मैं रोजाना कम से कम 100-200 मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और मैं थक जाता हूँ। शॉप है, वीडियो एडिटिंग है, फैमिली है और सारी चीजें हैं। कई सारे लोगों का मैंने देखा है, लोग पैसे लेके हेल्प करते, लेकिन मैं एक भी पैसे नहीं लेता, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे DM इतना कर देते हैं कि पूछो मत। कई सारे लोग रील भेजते हैं मुझे, भाई रील क्यों भेजते हो यार, अगर मैंने अपना कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया आपकी हेल्प के लिए तो आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। लोग रील भेजते हैं, अभी थक जाता हूं यार मैं लोगों को ब्लॉक करते करते, उसी रील के चक्कर में कोई बंदा परेशान है, बहुत तकलीफ में है, उसको अर्जेंट मेरे से बात करनी है, हेल्प चाहिए, वो भी इग्नोर हो जाता है, थक जाता हूं मैं ब्लॉक करते करते। चलो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, बात करते हैं अगर आप लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हैं तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, लोन से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, अभी इसी नंबर, यही नंबर है मेरा, अभी बहुत सारे मैसेज आएंगे। सबसे पहली चीज, जब भी आप गूगल को यूज करो, आप सही चीज के लिए यूज करो। अगर आपको किसी चीज की नीड है, अगर आपको जूते की नीड है, कपड़े की नीड है, लोन की नीड है, अगर आप वहां पर सर्च करोगे, फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जाओगे, फेसबुक में जाओगे, इंस्टाग्राम में जाओगे, आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेगी। यूट्यूब में वीडियो देखोगे, उसी चीज की एड मिलेगी। अब देखो गूगल क्या करता है, गूगल को पैसे की जरूरत है, वह पैसे लेता है, एड देता है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे लेता है सामने से और एड सर्वाइव करता है। आप भी अपना एड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गूगल यह चीज नहीं देखता कि वह गलत है या फिर सही है। जो एप्लीकेशन आपको इंस्टाग्राम फेसबुक में मिलती है 70 की सारी फेक होती है। अगर आप एक एप्लीकेशन से लोन लेंगे ना, तो वहां पर 4-5 एप्लीकेशन अंदर ऑटोमेटिक चिपकी रहती है। आप 3,000 का लोन लेंगे ना, 3,000 करके कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशन से लोन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। भाई हमको 3,000 चाहिए तो तुम 5 एप्लीकेशन से काहे दे रहे हो, हमको एक ही एप्लीकेशन से काफी है, लेकिन वहां पर वो टिक रहता, आप ध्यान नहीं देते और आप लोन ले लेते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 6वें दिन 4-5 दिन तो आप आराम से गुजार लेंगे, लेकिन जैसे 6ठा दिन आएगा आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि सर आपका जो डेट है वह आ चुका है, कृपया करके आप लोन भर दीजिए।
अगर आप एक से दो बार इग्नोर करेंगे ना, तो बस आपके फोन पे मैसेज आएगा कि ये देखो कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी, और इस कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हम फोटो भेजना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? जब आप वीडियो देख ही रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने इंस्टाग्राम में जाता हूँ, ठीक है? ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो मैंने सर्च किया था लोन अप्लीकेशन के बारे में। देखो यहाँ पर लोन अप्लीकेशन आ रही है। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा, होता है ना कभी कभी किसी को नीड भी नहीं होती, लेकिन लोग बोलते हैं यार यहाँ पे लोन मिल रहा है, चलो हम ट्राई करते हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा आपको एक भी पैसा देना नहीं, अगर आप 7,000 का लोन लेते हैं तो 7 दिन बाद आपको 7,000 रिटर्न करना है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि नहीं भैया आप 3,000, हम 3,000 का लोन आपको देंगे तो आपको 1,800 मिलेगा, 1,200 हम खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखते। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देखो ये प्ले स्टोर की तरह दे रहा है, लेकिन जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर यह डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम लिख के दे रहा है कि यह एक खतरनाक घातक एप्लीकेशन है, हरमफुल एप्लीकेशन। देखो वहां पर लिखा हुआ था, अगर हम डिटेल पे क्लिक करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी, ठीक है? तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? इंस्टॉल करते हैं। आप लोग जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इसके वजह से जो चीजें आपकी मतलब हैक हो जाती है, ठीक है? चलो हम ओपन करते हैं। मैं यार इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं इतने एप्लीकेशन से कम 20-50 एप्लीकेशन से ट्राई किया, मैंने सारी चीजें दे दी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साले तुम मुझे ब्लैकमेल करो, करते ही नहीं है। देखो ऊपर परमिशन दिया हुआ है, आप लोग यही मिस्टेक कर देते हो। देखो ऊपर परमिशन दिया हुआ है, नीचे फोन स्टेटस, लोकेशन, कैमरा, इंस्टॉल एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट, कॉल लॉग, SMS, ठीक है? इधर देखो, देखो ये जो सारी चीजें हैं इसका परमिशन ये लोग ले लेंगे। देखो यहाँ पर SMS का है, ये जो नॉर्मल SMS होता है ना, ये जो SMS आता है हमारा, इसका परमिशन ये लोग ले लेंगे। आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कई सारे लोग इनको चूतिया बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग पहले ये चेक करते हैं कि बंदा आखिर में इसके इस नंबर पे ट्रांजेक्शन होता या नहीं होता। ये लोग इतने चूतिया नहीं है, फिर भी बन जा रहे हैं, ये लोग भी बन रहे हैं और हम भी बन रहे हैं, ठीक है? तो SMS का लेते हैं, कॉल का लेते हैं, कॉन्टेक्ट का लेते हैं, इंस्टॉल एप्लीकेशन का लेते हैं, कैमरे का लेते हैं, लोकेशन का लेते हैं। अगर हम एग्री करेंगे ना, तो सबसे पहली जो चीज इनके अकाउंट में सेव होती है, देखो किसी का मैसेज आया, मैं आपको दिखा देता हूं, इधर देखो गैलरी का भी एक्सेस ले लेते हैं क्या? नहीं लेते भाई, ठीक है? यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, ये लोग दो चीज का एक्सेस लेके अपने पास रखते हैं, पहला जो आपका नॉर्मली OTP आता है, मैसेज एप्लीकेशन हुआ, दूसरा आपका कॉन्टेक्ट नंबर, यही दो इनका हथियार है मेन। उसके बाद में अगर ये लोग बाय द वे मान लो हमारे स्टोरेज का लेते हैं, ठीक है, एक्सेस लेते हैं, तो 128 GB इनके पास भी तो स्टोरेज रहना चाहिए उतना सेव करने के लिए, तो ये लोग नहीं लेते हैं, ठीक है? हाँ कई सारे लोग बोलते हैं कि, मैंने कई सारे लोगों से पूछा, कई सारे लोग बोले कि स्टोरेज का नहीं लेते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर एक गलती करते हो, आपका ये लोग न्यूड फोटो कहाँ से बनाते हैं? आपका जो जीमेल है, अगर आपने जीमेल वहां पर दिया हुआ है तो जीमेल पे फोटो लगा होता है, वहां से ये लोग निकाल लेते हैं। तो जीमेल का फोटो आप हटा दीजिए, पहली बात, अगर आप फंस चुके हैं। दूसरी बात, ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर से ये लोग फोटो निकाल लेते हैं, ट्रू कॉलर पे आप देख लेना वहां पर फोटो लगा होता है, वह आप रिमूव कर दीजिए। तीसरा, जो आपका व्हाट्सएप DP होता है वहां से ये लोग फोटो चुरा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो आप वहां से भी हटा दीजिए। और एक गलती करते हैं, आप लोग सेल्फी दे देते हैं, सेल्फी भी जरूरी है, बिना सेल्फी तो ये लोग देंगे नहीं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं बचना कैसे है। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम FIR करने जा रहे हैं। ठीक है, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आप FIR भी कर सकते हैं। जब आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, पुलिस वाला आपको चिल्लाएगा। और दूसरा राय क्या देगा, अगर कोई ऐसा फोन आता है आपके पास, कोई मैसेज आता है, तो आप सिंपली उसे ब्लॉक कर दो, यही आपको राय देगा, या तो फिर भगा देगा चिल्ला के, आपने लोन क्यों लिया, ऐसा चिल्ला के भगा देगा। तो मेरे हिसाब से वहां पर जाके कोई मतलब नहीं। हाँ आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी इतनी सारी रिपोर्टें हो गई हैं कि आपका टाइम कब आएगा पता नहीं, ठीक है? तो टाइम जाता है। और दूसरी बात, आप किस बेस पे करेंगे यार, जो +92 का नंबर होता है पाकिस्तान का होता है, नेपाल के नंबर से कॉल करेंगे, अफगानिस्तान के नंबर से कॉल करेंगे, सऊदी के नंबर से आता है। अगर आप ट्रैक करवाने की भी कोशिश करेंगे, आपकी पहुंच है, तो कैसे आप क्या कर सकते हो बताओ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा बात है, आपको खुद बचना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप परेशान हो के कुछ गलत, मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर भाई ने मैसेज किया,
सर मेरी हेल्प कीजिए, हम फंस गए हैं लोन के चक्कर में। मैंने बोला वीडियो देखे, देखो सारे लोग मुझे डायरेक्टली आके ये मैसेज कर रहे हैं, तो भाई आप वीडियो देखो, मैंने सब कुछ क्लियर करके इस वीडियो में बताया। ठीक है, देखो सर हैंडीकैश वाला मैं फंस गया हूँ, वो बोल रहा है फोटो को न्यूट करके सबको भेज देंगे। हैंडीकैश वाला भी तो फेक ही है ना, प्लीज हेल्प करिए सर, मेरा मन सुसाइड करने को कर रहा है, नहीं कुछ होगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अब देखो इनकी सोच देखो भाई, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप डर के सुसाइड कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार, हिम्मत से काम लो। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रणबीर सिंह न्यूड होके फोटो खिंचवाया था, अभी आपने एनिमल मूवी देखा होगा, रणबीर सिंह उसमें न्यूड होके पूरा वीडियो बनाया है, मतलब कई सारी सीन ऐसी है जहां पे न्यूड है। और आप देखो अक्सर गाने में यार, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस है अक्सर गाने में लगभग लगभग न्यूड ही होते हैं, ठीक है, न्यूड ही होते हैं लोग, जब न्यूड होके फेमस हो रहे हैं। देखो उर्फी जावेद का देखो, मतलब बेचारी वो इतना फेमस होना चाहती है, साले लोन वाले उसको नहीं फंसाते। यार देखो आप कोई सेलिब्रिटी हो नहीं, सीधी सीधी बात, आप कोई सेलिब्रिटी हो नहीं कि आपका न्यूड फोटो बना के अगर कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपका वो लोग तनिक भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, कर साले ऐसा गाली दो, ठीक है, मैं वीडियो में तो गाली नहीं दे सकता, उनकी एक कर दो, जहां तक हो सके उतनी गाली दो, ठीक है, तुमको सोशल मीडिया पर अपलोड करना है, जहां पर करना है कर। मैं आपको एक और छोटा सा एक मैसेज दिखाता हूँ एक भाई का, भाई क्या बोलो, ऐसे ऐसे मैसेज इतने आ रहे हैं ना कि क्या बोलो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं भाई, हाँ वायरल कर रहा है तू वायरल कर। यहां पर देखो मैं फोटो ब्लर कर दूंगा, ठीक है, भाई का फोटो ब्लर कर दूंगा, देखो यहां पर इस तरह का फोटो बना बना कर भेज रहे हैं सर, प्लीज सर, आज के बाद हम ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा सर, बचा लीजिए किसी तरह भी। देखो सर, हेलो सर, आप हमारी मदद करिए सर, मैं 7 दिन वाला लोन लिया था सर, आज मुझे मेरा वीडियो बना कर भेज रहे हैं सर, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं सर, प्लीज सर इससे हमको बचा लीजिए सर। तो देखो आप जितना डरोगे वो लोग उतना डराएंगे, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल, मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है कि मैं दूंगा ना तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आधा एक घंटा पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो देखो आप कोई सेलिब्रिटी हो नहीं, सीधी सीधी बात, अक्सर ये लोग लड़कियों को टारगेट करते हैं, जैसे अभी एक लड़की रो रही थी बेचारी, अभी क्या कर सकता हूँ यार मैं, मैंने बोला कि आप अपने भाई से बात कराओ, अभी उनका भाई मतलब उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है कि मैं बता नहीं सकता, तो यार मैं बातों बातों में अलग टॉपिक पे एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ। तो देखो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेंगे, वहां पर भी मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है, आप पुलिस कंप्लेन करेंगे वहां पर भी कोई मतलब नहीं है, आपको बस अपने फैमिली वालों को समझाना है। अभी मैं आपको एक आइडियो ऐसा सुनाऊंगा जिस आइडियो में लोन रिकवरी वाला ट्रिक बताता है, क्या ट्रिक है, कैसे ट्रिक है, आपको वही ट्रिक फॉलो करनी है, मात्र 7 से 15 दिन के अंदर जो आपकी फाइल है वह अंदर चली जाती है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको सुनाता हूं दिखाता हूं अभी उस भाई का आइडियो, ठीक है। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने फैमिली वालों को समझाना है कि हाँ मम्मी हाँ पापा मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली गलती से मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, या फिर किसी बंदे ने मेरा फोन हैक कर लिया है, मेरे से पैसे मांग रहा है जबरदस्ती, बोल रहा है कि पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा गंदा गंदा फोटो वीडियो बनाऊंगा। आप अपने मम्मी पापा को समझाएंगे तो आपके मम्मी पापा समझ जाएंगे, इतने भी बेवकूफ नहीं होते माँ बाप, वह अपने लड़के या फिर लड़की की फीलिंग को समझते हैं। देखो हर माँ बाप यार जानता है अपने लड़की लड़के को अच्छे तरीके से जानता है, अगर आप यह चीज, ठीक है, भाई तो मान लो आपको धमकी दे रहा है कि मैं न्यूड फोटो भेजूंगा तुम्हारे मम्मी पापा के पास या फिर भाई बहन के पास, आप उसके भेजने से पहले अगर आप मम्मी पापा को बता देंगे तो यह चीज आपके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा, यानी अगर वह बाद में भेजता है तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे हाँ यार मेरा बच्चा या फिर मेरी बच्ची जो भी बोल रही थी सही बात है, कि कोई बंदा उसको परेशान कर रहा है तो वह लोग इग्नोर करेंगे। और सीधे बोलो अपने मम्मी पापा को, अगर कोई ऐसा बोलता है तो सीधे उसको गालियां दे, गालियां दे, बाकी और कुछ भी नहीं, गालियां दे। हाँ कई सारे लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले घर पे आएंगे, ना बिल्कुल पुलिस वाले घर पे नहीं आएंगे, फेक लोन के चक्कर में तो वह लोग नहीं आएंगे क्योंकि वह लोग खुद फंस जाएंगे। दूसरा वकील, वकील वकील का ड्रामा तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिविल डाउन होगा कुछ भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि यह लोग आपका एक फोटो लेते हैं, फोटो लेने के बाद में बस एक रिक्वायरमेंट है आधार कार्ड पैन कार्ड का कि सही बंदा है, और जो मेन चीज है यह आपके कॉन्टेक्ट के साथ खेलते हैं, यानी जो कॉन्टेक्ट नंबर है बोलेंगे पेमेंट करो, आपने बाय द वे 3,000 का लोन लिया था, आपने 3,000 भर दिया, फिर बोलेंगे फिर और दो 5,000 या फिर और दो 3,000, फिर आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है,
आपको देना पड़ेगा। और हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं कि मेरा फोन हैक हो गया है, कोई बंदा मेरे साथ गलत गलत स्कैम कर रहा है। तो जितने आपके फ्रेंड रहेंगे, जितने रिश्तेदार रहेंगे, वह भी अवेयर हो जाएंगे। हाँ यार, लगता है कुछ बंदे के साथ हुआ, बंदे के साथ हुआ है। और आप ट्रू कॉलर में एक सेटिंग कर सकते हैं, अगर कोई अननोन बंदा फोन करेगा तो वह ऑटोमेटिक उसे ब्लॉक कर देगा, कट कर देगा। इससे रिलेटेड मेरा एक चैनल है हिंदी में सीखो, उस पर 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं टेक से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, अगर आपका जीमेल आईडी है तो हैक नहीं होगा, किस तरह से हैक हो सकता है, कई सारी चीजें हमने उस चैनल पे शेयर करी हुई है। आप जाके वह चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हिंदी में सीखो सर्च करेंगे, हमारा चैनल मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम आपको एक भाई का आइडियो सुनाते हैं, जिस भाई ने एक एजेंट से बात करी, एजेंट उसको ट्रिक बताता है किस ट्रिक से बचना है। आप यह आइडियो सुनिए, आपको पूरा जजमेंट लग जाएगा क्या है, किस तरीके से ये लोग हमको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा कि उस ऐप में कुछ सारे खराब बंदे, कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं। एक आकाश नाम का बंदा था, उसको उसने मुझे कॉल किया, उसने बोला पेमेंट करने को। मैंने उसको सारी बात बताई और मैंने बहुत सारी बात अपने एंड से लगा के बोला कि मैंने अपनी सोने बेच दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ज्यादा पैसे गए नहीं है, बस मैं हेमुलेट बहुत ज्यादा हो गया था। तो उसने बोला, उसने सब बात मेरी सुनी, फिर उसने बोला कि सर आप देख लो, आप पेमेंट कर दो, ये कर दो। बोला मैं इसमें क्या बोला, आपको तो पेमेंट के लिए भी नहीं बोल सकता हूँ। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला कि रोहित जी आप कम से कम ना इसका जो 1400 रुपए का पेमेंट है वो कर दो। तो मैं माता पिता ना गया, मैंने कहा चार्ज नहीं समझता था। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करूंगा, जो देखा जाएगा। बोला कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा कि रोहित जी आपका पर्सनल नंबर है? मैंने कहा हाँ। बोला ठीक है मैं आपको, ठीक है रोहित जी। फिर उसने ना मुझे 11 बजे रात में कॉल किया। मैंने पूछा हेलो कौन? तो बोला मैं आकाश बात कर रहा हूँ। मैंने पहचाना नहीं आकाश। तो बोला कि अभी मैं सुबह में आपको लोन के रिगार्डिंग बात कर रहा था ना। मैंने कहा हाँ 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 बताओ बताओ बताओ। उसने बोला कि रोहित जी मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जो आपके साथ ऐसा हुआ है मैं आपको इतना ही बोलूंगा, जो आपने बोला कि आपका ये उखाड़ तो कुछ भी नहीं सकते, आपसे इतना गलती हो गया कि आपने फ्रॉड जो किया ना सही ढंग से कर नहीं पाया। जो कॉल मुझे किया था पैसे के लिए, उसको जो मैंने सारी बात बताई कि मैंने अपना मेहनत की कमाई, आपको रात में कॉल किया, फिर क्या बोला? नहीं आपने, आपको सही से लूटने नहीं आया इसको। अच्छा अच्छा, आप इसको सही से लूट नहीं पाए। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुम कंपनी के होके तुम ऐसे मुझे क्यों बता रहे हो, हेल्प कर रहे हो? देखो रोहित जी, हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता है, कुछ मजबूरी होती है, तो लोग जॉब करता है। बस यही समझ लो कि मेरी मजबूरी है तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अदरवाइज क्या बोल सकता हूँ मैं आपको। लेकिन एक भाई के नाते जो आपकी प्रॉब्लम मैंने सुना और जो आप फेस किए हो, और मैंने उसको थोड़ा सा रोके भी बताया कि ऐसे ऐसे मेरी हालत है और ये है, इसने ये कर दिया। उसने बोला कि उखाड़ आपका ये कुछ भी नहीं सकता। और वो उसने मुझे एक चीज बोला कि जब फोटो आपको एडिट करके भेजता ना, तो उसको बोलना कि मेरा एक गैलरी का फोटो भेज, फिर मैं पेमेंट करता हूँ। तो क्यों? बोला गैलरी हैक नहीं होता है, इस पे काम करो। व्हाट्सएप को जो आपका जो फोटो दिख रहा है ना, व्हाट्सएप के फोटो को हटाओ पहले। तो उसी ने मुझे बताया कि व्हाट्सएप के फोटो को तुम हटाओ। मैंने हटाया उसी टाइम। फिर उसने बोला एक काम करो, जो आप नंबर ऑफ मत करना, तो फैमिली परेशान हो जाएगी या कुछ भी, आपको अगर नहीं करना तो कर दो, अगर करना चाहते तो वो भी कर दो तो ज्यादा अच्छा। फिर उसने बोला कि बस आप 6 दिन का वेट करो, 6 से 10 दिन का। कितना कितना? 6 से 10 दिन का। क्या मोबाइल ऑफ? नहीं, 6 से 10 दिन का वेट करो आप। अच्छा अच्छा। उसने बोला कि 6 दिन से लेके जब आपका पीरियड होता है वहां से लेके 6 से 7 दिन तक आपका फिर टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके फाइल सबसे नीचे चले जाते हैं। वो फाइल बहुत नीचे चला जाता है, तो फिर जो और क्योंकि इतने करोड़ आबादी में बहुत सारे लोन लिए रहते हैं, बहुतों को करना होता है, टारगेट होता है। अगर आप हम लोगों को 30 फाइल मिलता है, 30 फाइल में से अगर हम 15 फाइल 18 फाइल अगर क्लोज नहीं करते हैं एक दिन में, तो हम लोगों की उस दिन की सैलरी नहीं मिलती है और इंसेंटिव भी नहीं बन पाता है। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आप 15 दिन तक परेशान रहोगे, उसके बाद सब इजी हो जाएगा। मैंने कहा उसके बाद कॉल नहीं आएगा? बोला आएगा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। बोला आएगा आएगा, तो जरूर मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ सकता है, लेकिन मैं ये है कि आपके पास कॉल आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉल फिर नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं आज ना मुझे वो एडिट करके जो भेजा ना, तब मैं थोड़ा सा डर गया था। तब वो बोला मुझे बाद में कि हाँ आप ऐसे करो तो आप ऐसे सेव हो सकते हो। फिर उसने जाते जाते बोला कि रोहित जी देखो, मैंने बोला कि मुझे खाने के लिए पैसे नहीं है। बोला रोहित जी अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगा तो बता देना, मैं ट्रांसफर कर। मैंने कहा नहीं 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 भाई, थैंक यू सो मच, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच यार बताने के लिए। तो उसने मुझे ये चीज बताई, वो भी रात में बताया, फोन करके खुद ही बताया कि आप तो ये कुछ नहीं करेंगे, आप मोबाइल ऑफ करो। मैंने कहा ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बोला कुछ नहीं करेंगे, ये किसी को मैसेज। तो दोस्तों आपने आइडियो सुन लिया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करने वाला, आपको खुद इस चीज से निपटना पड़ेगा। आप मेरे इधर कॉल करेंगे, मैं यही चीज बोलूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर ऑफ कर दो, व्हाट्सएप नंबर ऑफ कर दो। क्या आपके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो हर लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी अलग है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम खुद से निपटना पड़ेगा। आप मेरे इधर कॉल करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दे सकता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। आपको निपटना है, आप गलती में घाईबाजी में कुछ गलत कदम मत उठाना यार, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये छोटे मोटे मैटर बहुत सारे अभी जिंदगी में आएंगे, कितनी बड़ी जिंदगी, कितने मैटर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी मोड़ी मेरी बातों से एग्री होंगे, अगर हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कौन कौन भाई यहाँ तक वीडियो देखा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।